हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे सिंधी स्वीट डिश जो होली पे स्पेशली बनाई जाती है, उसे कहते हैं गियर, जो जलेबी से रिसेम्बल करते हैं पर टेस्ट में थोड़ा अलग रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये कैसे हम लोग घर पे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये वो चैनल है जहाँ पे लाइफ, हेल्थ और किचन से रिलेटेड आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। तो चैनल से बने रहिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं और पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप शक्कर। जो कप मैंने लिया है वो 125 ml का है और यही कप का इस्तेमाल हम लोग पूरी रेसिपी में करेंगे। 2 कप शक्कर ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप पानी। इसमें डालेंगे रोज एसेंस 8 से 10 ड्रॉप, 1 पिंच ऑरेंज रेड कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले देखिए शक्कर पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम लोग डालेंगे इलायची, 3 से 4 इलायची डालनी है। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 नींबू का रस डालेंगे जैसे हमारी शक्कर जो है जमे नहीं, और इसे हमें उबालना है। देखिए धीरे धीरे पहले शक्कर मेल्ट होगी, इसे अच्छे से पकाएंगे और 1 तार की चाशनी बनाएंगे और इस तरह से उंगलियों पे चेक करेंगे 1 तार की चाशनी बनी है कि नहीं। चाशनी का कलर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसे एक दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ, जैसे आपको क्लियर आइडिया आ जाए किस तरह से हमें चाशनी बनानी है। देखिए ऑरेंज कलर की चाशनी बननी चाहिए इस तरह से। अभी हम लोग बनाएंगे बैटर, जो हमें आटे का गोल बनाना है वो, और ये कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाएं। आइए गोल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने वही कप का इस्तेमाल किया है जो मैंने चाशनी बनाने के लिए किया था। ये 125 ml का कप है। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। 2 कप मैदा लेंगे और उसमें डालेंगे हम लोग 1/2 कप दही। स्पून में मेजर करेंगे तो 3 स्पून के करीब है। और 1 कप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी, पिंच ऑफ ऑरेंज रेड कलर। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 स्पून यहाँ पे मैं इलायची पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करना है हमें। धीरे धीरे मिक्स करेंगे, पानी और पड़ेगा पर हम लोग एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे फेंटते जाएंगे जैसे बिल्कुल स्मूथ बैटर बने। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप और पानी लिया है। 1/2 कप पानी डालूँगी पर बिल्कुल 1-1, 2-2 चम्मच करके, और इसे फेंटते जाएंगे। इसमें जो भी लम्स हैं वो सब निकालेंगे। फिर से मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ और फिर से फेंटेंगे। जितना ऐसे हम लोग फेंटेंगे उतने ही गियर हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इसका बैटर जो है बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए और गाढ़ा भी नहीं। पूरी रेसिपी में मैंने 1.5 कप पानी और 1/2 कप दही का इस्तेमाल किया है। देखिए इसे फेंटते जाएंगे और ये बिल्कुल स्मूथ होता जाएगा। अभी मैं आटे को छोड़ रही हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, कंटिन्यूस नहीं गिर रहा है। इसे इतना फेंटेंगे जैसे इसे छोड़ेंगे हम लोग तो बिल्कुल एक लाइन में पूरा आटा गिरेगा। देखिए लास्ट 1-2 ड्रॉप और बचे हैं पानी के, वो भी डाल दूंगी मैं इसे और कंटिन्यूस इसे फेटेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको चेक करके बताती हूँ, देखिए आटे का फ्लो कैसा है। ये बिल्कुल भी कंटिन्यूस फ्लो में नहीं है, रुक रुक के आटा गिर रहा है। तो अभी बचा हुआ 1 चम्मच पानी मेरे पास बचा है, वो भी डाल देंगे इसे और इसे अभी कंटिन्यूस फेटेंगे। तो ये बहुत ही फ्लफ़ी और स्मूथ हल्का हो जाएगा बैटर जो है। उसके बाद फिर मैं आपको चेक करके बताती हूँ इसका फ्लो।
ये देखिए इस तरह से बैटर फ्लो होना चाहिए, इससे हमारे गियर जो बनेंगे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। 8 घंटे इसे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। देखिए 8 घंटे हो चुके हैं। इसके बाद इसमें हमें डालना है बेसन, जिससे इसमें आएगी क्रिस्पीनेस। तो इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून के करीब बेसन डालेंगे। बेसन डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है और कंटिन्यूस इसे फेटेंगे। फेटने से जो बैटर है वो हल्का होगा, जिससे जो हमारे गियर हैं बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करके फेट लेंगे। बेसन डालने से इसमें क्रिस्पीनेस आती है, तो बहुत ही बढ़िया गियर बनेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, चाशनी भी हमने रेडी करके रखी है। अभी ये बैटर को हम लोग डालेंगे पाइपिंग बैग में। तो एक पाइपिंग बैग ले लेंगे और उसमें बैटर डालना है। आप चाहे तो दूध के पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पिन पॉइंट होल की तरह इसमें होल करना है हमें। होल ज़्यादा बड़ा रहेगा तो गियर जो है बहुत ही मोटे बनेंगे, इसके लिए हमें बिल्कुल पतला सा होल करना है। देखिए बैटर पाइपिंग बैग में रेडी हो चुका है। आइए अभी इसमें से गियर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें होल कर लेंगे तो सीजर का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल पतला सा होल बनाना है। आइए अभी गियर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फ्लो। पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल और इसमें ड्रिंक डालनी है, जैसे हमारे गियर जो है सर्कल बने। और इसमें डालेंगे हम लोग बैटर। देखिए बैटर हमारा अच्छे से फेटा हुआ है, तो उसकी वजह से ये कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। अगर इसे अच्छे से फेटेंगे नहीं तो ये बीच बीच में ब्रेक होगा और ड्रॉप्स की तरह गिरेगा, तो गियर हमारे जो है बढ़िया नहीं बनेंगे। एक लेयर मैंने बनाया, कुछ सेकेंड्स का मैं यहाँ पे होल्ड दूंगी, फिर से एक लेयर और बनाऊंगी, जैसे गियर जो है थिकनेस में थोड़े मोटे बने। तो एक लेयर और बनाएंगे। आंच को मीडियम रखना है और इसे क्रिस्प फ्राई करना है। जैसे ही गियर जो है साइड छोड़ दे रिंग से, तो रिंग निकाल देंगे हम लोग बाद में फिर, और रिंग निकालने की गाई नहीं करनी है, नहीं तो गियर जो है वो टूट जाएंगे। देखिए लेयर मैंने कंप्लीट कर दिया है, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे। जब गियर साइड छोड़ेगा उसके बाद ही हम लोग रिंग इसमें से निकालेंगे और ये इजीली निकल जाती है। और इसके बाद इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा या मीडियम रखेंगे, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो हमारे गियर जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो धीमी आँच पर इसे पलटाते हुए दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। चाशनी हमें बिल्कुल रेडी रखनी है, जो हल्की सी गर्म रहेगी, ठंडी चाशनी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही गियर रेडी हो जाएगा उसे डायरेक्ट हमें डालना है चाशनी में, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है। जैसे ही गर्म गियर हम लोग डालेंगे तो गियर जो है अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए रेडी हो गया और इंस्टेंटली इसे डालेंगे हम लोग चाशनी में, और मैक्सिमम 2 मिनट के लिए रखना है। 1 से 2 मिनट जैसे ही आपको लगेगा चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है तो इसे फटाक से निकाल देना है हमें, और इसे एक प्लेट में डाल के रखेंगे, जैसे एक्स्ट्रा चाशनी जो रहे वो निकल जाए इसमें से। इसी तरह से ही सब गियर हम लोग फ्राई करेंगे और फिर चाशनी में डालेंगे। चाशनी में हमने नींबू का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये चाशनी जो है जमती नहीं है। अगर नींबू नहीं डालेंगे तो इसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। दोनों तरफ से पलटाते हुए इसे हमें डिप करना है। इसी तरह से ही सब गियर हम लोग प्लेट में रखेंगे, एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए जैसे। इसके बाद फिर प्लेट चेंज करेंगे। ये मेजरमेंट में लगभग मेरे मीडियम साइज़ के 8 गियर बने हैं। इसके बाद इसे हम लोग डेकोरेट करेंगे, सिल्वर वर्क का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे, पूरा नहीं भरना है। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे ड्राई रोज़ पेटल्स।
इसके ऊपर आप रबड़ी भी डाल सकते हैं, पर वो हमें कैसे जल्दी ख़त्म करनी रहती है, हम लोग ज़्यादा टाइम उसे रख नहीं सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट है। तो इसके ऊपर हम लोग रोज़ पेटल्स डालेंगे। रोज़ पेटल्स डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे पिस्ता। पिस्ता को बारीक काट के इस्तेमाल करेंगे, ये दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे। देखिए हमारे गियर जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल कोई भी विश्वास नहीं करेगा ये घर के बने हुए गियर हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ, देखिए कितने जूसी और क्रिस्पी बने हैं ये, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। ये हमारे सिंधी होली स्पेशल गियर तैयार है, जूसी क्रिस्पी, सुंदर सा कलर, बहुत सारी टेस्ट। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी कौन सी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।